आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। स्वतंत्रता दिवस पर भदोही में दिखी विशेष तैयारी, अफसरों संघ कर्मचारियों ने तिरंगे को दी सलामी। जिले में सरकारी एवं अर्ध सरकारी दफ्तरों में आजादी की 75वीं वर्षगांठ रविवार को धूमधाम से मनाई गई। डीएम आरेका अखौरी ने कलेक्ट्रेट सहित कई स्थानों पर ध्वजारोहण किया, जबकि एसपी रामबदन सिंह ने पुलिस लाइन में तिरंगे को सलामी दी। डीएम आरेका अखौरी ने कलेक्ट्रेट परिसर में ध्वजारोहण किया। उन्होंने कहा कि हमें समय के साथ साथ अपनी सोच को बदलना होगा, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए ईमानदारी और निष्ठा से काम करना चाहिए। समाज के उपेक्षित, शोषित, कमजोर वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने पर जोर दिया। इस दौरान डीएम ने क्रॉस कंट्री रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। अव्वल आने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। डीएम ने दी सेंट्रल बार एसोसिएशन पर ध्वजारोहण, नेहरू उद्यान में पौधरोपण और महाराजा चेत सिंह जिला चिकित्सालय में मरीजों, वृद्धाश्रम, जिला कारागार में मिठाई और फल वितरित किया। काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भी डीएम संघ पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह पहुंचे। इस मौके पर सीडीओ भानु प्रताप सिंह, एडीएम शैलेंद्र मिश्र आदि उपस्थित रहे। विकास भवन, बीएसए कार्यालय, डीआईओएस दफ्तर, डीएसओ विपणन, जिला उद्यान, सीएमओ कार्यालय, श्रम विभाग कार्यालय आदि स्थानों पर विभागाध्यक्ष संघ कर्मचारियों ने ध्वजारोहण किया। जिला पंचायत कार्यालय पर जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शीतल पाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराने में महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनके मेहनत को हमें जाया नहीं जाने देना है। औराई ब्लॉक में प्रमुख ब्रिजमोहन मिश्र, डीग ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्र, ज्ञानपुर में प्रमुख पति बबलू सिंह, अभोली में प्रियंका बिंद आदि ने ध्वजारोहण किया। ज्ञानपुर रोड स्टेशन पर कार्यवाहक स्टेशन अधीक्षक सुनील कुमार सिन्हा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर स्टेशन मास्टर राम सजीवन, संजय कुमार, श्रीकांत, लवकु समेत रेलकर्मी उपस्थित रहे। गोपीगंज नगर पालिका कार्यालय पर चेयरमैन प्रहलाद दास गुप्ता, अधिशासी अधिकारी अमिता सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर ज्ञानेश्वर अग्रवाल, मोहित बाबू, नरेंद्र दुबे, कोमल मोदनवाल, संतोष मोदनवाल आदि उपस्थित रहे। उक्त अवसर पर युवाओं ने सूर्यावा चौराहे पर तिरंगा यात्रा निकाली। आज 15 अगस्त 2021 को सभी जनपद वासियों को मेरी तरफ से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के दिन मैं यहाँ हॉस्पिटल में आकर के मैंने मरीजों का हालचाल पूछा है और यहाँ पे ज़्यादातर मरीज डायरिया के पेशेंट एडमिटेड हैं, जिनकी उन्हीं भोजन की शिकायत थी। उनका ट्रीटमेंट चल रहा है और हालात में सुधार आया है। और दो सिजेरियन सेक्शन की महिलाएं थी जिनके बच्चे हुए हैं, तो सबको मिलकर अच्छा लगा, सबको मैंने फल वितरित किया है। और साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, जो डिलीवरी वार्ड है उसमें बच्चों के लिए पालना रखने के लिए आदेश दिए गए हैं और बाकी व्यवस्थाएं डॉक्टर उनको आके रेगुलर देखें और साफ सफाई रहे, उनको खान पान अच्छा मिले। जय हिंद। भारत के 75वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस की हम लोग मना रहे हैं। जनपद वासियों को, समस्त हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं भारत की जनता और अपने मिलने वाले, अपने चाहने वाले सभी लोगों से यह आग्रह करना चाहूँगा, ये स्वतंत्रता हमको बड़े बलिदानों के बाद मिली है, इसको संरक्षित रखें। साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सैनिटाइजेशन, इस पर विशेष ध्यान रखें। वर्तमान में कोरोना अभी भी चल रहा है, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करें। क्योंकि मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ इसलिए मैंने नहीं पहना है, लेकिन आपको ये मास्क बिल्कुल नहीं उतारना है। कभी भी भीड़ भरे रास्ते में जाने पर मास्क बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सैनिटाइजेशन का विशेष ख्याल रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। अपने स्वास्थ्य को बचा के रखना ही सबसे बड़ी स्वतंत्रता होगी। जय हिंद, जय भारत। इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश को आज़ादी कैसे मिली इतिहास में आप लोग ने पढ़ा होगा, लेकिन जो उसके मूल्य थे हमें उनको हमेशा याद रखना है कि कितनी मेहनत और कितनी लड़ाई और कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमें आज ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो जितनी मेहनत उस समय के लोगों ने की, हम कम से कम उसका कुछ परसेंट करें। हमारे
इंस्पेक्टर साहब ने बहुत कम शब्दों में आपको सारी चीजें बताई, हो सकता है किसी ने सुना हो किसी ने ना सुना हो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे इनकी लगी वो ये थी कि जब बैंक ड्यूटी पे हम जाते हैं और हमारे सामने जाम लगा होता है तो हम इतनी कोशिश नहीं करते हैं कि उसको वहां से हटके निकलवा दें, या कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है इस पर हमारा फोकस जरूर होना चाहिए। हमारे एसपी सर कहते हैं हम इनका पहरा भी ढंग से नहीं करना चाहते हैं, अलर्टनेस की बात है यहां पर, ड्यूटी की बात नहीं है, अलर्टनेस। आज स्वतंत्रता दिवस, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।